अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है मेरे नए व्लॉग में आप सबका। तो तमिलनाडु में हो चुकी है पोंगल की छुट्टी। तो पोंगल की छुट्टी करीब 3 दिन की थी ऑफिशियली, लेकिन सैटरडे संडे मिल गया तो 5 दिन की छुट्टी हो गई। तो हम लोगों ने प्लान की ट्रिप। हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम भी अच्छा है इस वक्त, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। बस कभी कभी शाम में हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, जो कि किसी भी नॉर्थ इंडियन के लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बनती है, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड झेलने की आदत होती है। तो फिर हम लोगों ने ट्रिप प्लान कर ली। हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ पे तो हमने पौंडीचेरी देख लिया है, ऊटी देख लिया है, कोडाईकनाल देख लिया है, ऑलमोस्ट जितने भी वैसे डेस्टिनेशन हैं अच्छे घूमने लायक वो सब हमने देख लिए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कहीं और किसी और स्टेट की ट्रिप प्लान की जाए। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इस बार चलते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में भी चलते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा चढ़ना ना पड़े, और यहाँ पे जितने भी हिल स्टेशन है, यरकाड, कोडाईकनाल, ऊटी, तो वो सब हम लोग ने देख लिया है। तो अब यही इरादा था कि कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा थकान ना हो, ज़्यादा चढ़ना ना पड़े, ज़्यादा चढ़ाई ना हो, क्योंकि बच्चे भी साथ में होते हैं और उनका कुछ सामान भी साथ में होता है, तो सब कुछ लेके चढ़ना चढ़ाई करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में ये ढाबा पड़ा था जो कि बहुत बहुत प्यारा था, और यहाँ का टेस्ट मतलब आप कोई भी जो ब्रांड चले आ रहे हैं ना, उड़ुपी और A2B, वो आप भूल जाएंगे यहाँ के खाने के टेस्ट के आगे। तो ये है सवर्णा भवन, जो कि क्लेम करते हैं कि अपनी सब्जियाँ खुद ही उगाते हैं और उन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाते हैं। तो हम वहाँ पे खाना खा के फिर हम थोड़ी दूर पे एक जगह हमने स्टे कर लिया था। फिर हम नेक्स्ट डे उठे और फिर जो है अपना सफ़र शुरू किया, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता अगर हम एक बार में सफ़र करते, क्योंकि शाम में हमने करीब 5:15 बजे अपनी जर्नी शुरू की थी। तो हम लोगों को वहाँ, हाँ अब बता दे रही हूँ कि हम लोग मैसूर जा रहे हैं कर्नाटका, तो हम लोग को वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 1-1.5 बज जाता अगर हम कंटिन्यूस ड्राइविंग करते तब, और अगर ऐसे रुकते खाते पीते जाते तब तो पता नहीं कितना 3-3.5 ऐसे हो जाता। तो ये बच्चों के साथ ये ऐसा रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे। तो हम लोगों ने एक जगह स्टे किया रात में, फिर दूसरे दिन सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम लोगों ने फिर चलना शुरू किया। और दिन में चलने का तो भाई अलग ही मज़ा था, बिल्कुल इतना मज़ा आ रहा था ना कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, नारियल के पेड़, खजूर के पेड़, इतना खूबसूरत सीन बन रहा था, इतने खूबसूरत सीन थे कोई हद नहीं, बहुत ही प्यारा सीन था। और मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा हुआ हमने नाइट में स्टे कर लिया, कम से कम ये सब देखते हुए चल रहे हैं, इतनी खूबसूरती हम देखना जो है गवा देते अगर हम रात में स्टे नहीं करते वहाँ पे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारे सीन थे, मतलब अगर मैं पूरे रास्ते कैमरा ना बंद करती तो भी जो है इतने खूबसूरत व्यूज़ मिल रहे थे। वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा लेके, कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो थोड़े थोड़े सीन ही कैप्चर किए हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ तमिलनाडु से बेंगलुरु हाईवे की तरफ होके जाएंगे और देखेंगे, इतना खूबसूरत व्यू आता है कि आपका कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग खाते पीते गए, और उसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लग गया था। हम फिर उसके बाद वहाँ कर्नाटक मैसूर पहुँचते में हम लोगों को कम से कम बज गए थे 2-2.5। तो ये देखिए पहाड़ों को काट काट कर बनाई गई हैं सड़कें, यहाँ पे टोल प्लाज़ा था, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में सकरी सी एक रोड थी, बहुत चौड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पे टोल प्लाज़ा बना रखा था इन्होंने, और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एक और मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ से ये एरिया है रामनगर का, रामनगर
शोले वाली रामनगर, शोले वाली सिटी जो है, सॉरी गांव जो है शोले वाला, जहां पे फिल्म की पूरी शूटिंग हुई है, उसका फिल्म में भी नाम रामनगर था और रियल में भी उसको रामनगरा बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ये हुआ कि चलो उतर के देखते हैं क्या, लेकिन फिर ये हुआ कि पूरी फिल्म जो है पूरे विलेज में शूट की गई थी, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ ये हमने जगह देख ली, वो हमें पूरा गांव घूमना पड़ता। और फिर इतना टाइम हो रहा था और ड्राइविंग मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे, तो हमने कहा भाई इतना रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर जो है इतना इतनी थकन हो जाएगी कि ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाएगा और धूप भी थी, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ का प्लान जो है ड्रॉप कर दिया और सीधे जो है मैसूर के लिए हम लोगों ने इरादा किया कि नहीं सीधे मैसूर ही चलते हैं, बीच में कहीं रुकते नहीं हैं। ये देखिए नारियल के पेड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कह रही हूँ ना कि अगर आप एक बार कैमरा ऑन कर लोगे ना तो समझ में नहीं आता है कि कैमरा ऑफ कहाँ करें, इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत सीन है, आपको मतलब आपका दिन ही बन जाएगा सिर्फ ये सड़क के किनारे के सीन देखने में ही, कहीं घूमने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बहरहाल 5 दिन की छुट्टियां थी, बच्चों को कहीं घुमाना था, तो बस ये था कि चलो ठीक है अब मैसूर के अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल देखते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं, कुछ अपनी हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें बताते हैं उनको। और ये ऊंचे टीले दिख रहे हैं ना, मैंने कहा देखो यहीं कहीं सांबा वाम्बा बैठता होगा, बस यहीं से देख लेते हैं, खुश हो लेते हैं, क्योंकि अंदर जाना मतलब बहुत ज़्यादा थकन हो जाएगी, धूप है, बच्चे भी जो है थक रहे थे, तो फिर इसलिए हम लोग बस दूर से ही रामनगर की चट्टान देखकर आगे बढ़ गए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पहले रूम लेते हैं, क्योंकि रूम लेंगे फिर थोड़ा फ्रेश होंगे फिर निकलते हैं। लेकिन अब फ्रेश होने के बाद जब हम निकले ना, तो ये होता है कि 5:30-6 बजे तक टिकट काउंटर सारे क्लोज़ हो जाते हैं, तो हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं अभी काफ़ी दिन है तो हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे घूमना। तो ऐसे ही फिर हम लोग चलते रहे और बहुत अच्छा मौसम हो गया था एक बार को, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बस यहीं खड़े होके जो है अच्छे से अच्छी फ़ोटो क्लिक कर ली जाए, लेकिन रुकने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बच्चों को भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा यही कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच के ही फ्रेश होंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर घूमने के लिए निकलेंगे। तो फिर हम लोग पहुँच गए, अब रूम ले लिया, उसके बाद हम लोग शाम में जब ये आए तो ये जगमगा रहा था मैसूर पैलेस। हाँ हम लोग उस दिन फर्स्ट डे तो हमने मैसूर पैलेस ही देखा और सिर्फ इतना ही देखा, क्योंकि टिकट काउंटर क्लोज़ हो चुका था। तो मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, आगे मैं आपको बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मैसूर घूमना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़।